हाय, दिस इज स्वाति। आज हम बनाएंगे पीनट बटर। पीनट बटर बहुत हाई होता है प्रोटीन में और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अगर आप वेट लॉस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है, तो आई रिकमेंड कि आप पीनट बटर ज़रूर यूज़ करें। मार्केट में एक छोटी सी बॉटल काफ़ी कॉस्टली आती है। आप ये पीनट बटर अपने घर पर बहुत ईजीली बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। आप देखें हम कितना जल्दी और कितना आसानी से इसे बनाते हैं। हमें इसके लिए चाहिए पीनट्स। मूंगफली मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हनी और बहुत थोड़ा सा ऑयल। मैंने रॉ पीनट्स लिए हैं। देखिए, ये हमें मार्केट में पैकेट मिल जाता है पीनट का, हाफ के जी का पैकेट। आई थिंक 80 रुपीज़ का आता है इंडिया में। तो जस्ट आप वो पैकेट ले लीजिए और हमें इसमें सिर्फ 1 कप यूज़ करना है। अभी थोड़ा सा बनाइए, अच्छा लगे तो और बना लीजिएगा। इसमें हम ऑलमोस्ट अराउंड 1 कप पीनट को हम एक पैन में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, आप अपना बेक कर लीजिए इसको। नहीं तो पैन में इजीली आपके सामने होता है, ये पता लगता रहता है। हमें सिम पे करके गैस को तब इसे रोस्ट करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टिर करते रहना है, हमें इसे जलाना नहीं है। हम इसको चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये हीट हो रहा है। तो उसमें अब क्या है, आप देखो कि ये इसका छिलका अलग होने लगा है। बस हमें ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। हमें इसे चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे बीच में कि छिलका अलग होना स्टार्ट हुआ या नहीं। ये देखिए, छिलका अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब बस थोड़ी देर और हम रखेंगे ताकि सारी मूंगफली ऐसे ही आराम से जो है वो छिलका है उसका उतर जाए। इसको थोड़ी देर और हम रोस्ट करते रहेंगे और उसके बाद में हम फिर से इसको चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 10-15 मिनट्स का इसको रोस्ट करने में, क्योंकि हमें बिल्कुल कम आँच पे इसको चलाना है, भूनना है। और ये देखिए कितना इजीली अब इसका छिलका निकल रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हमें कैसे निकालना है, देखिए हम एक छलनी ले लेते हैं। आप चाहिए तो इसको अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के और रब कीजिए, छिलका निकल जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी करना चाहती थी तो मैंने ये छलनी लिया और उसमें ऐसे मूंगफली को डालकर और उसको रब कर दिया। रब करने से क्या है कि उसके सारा छिलका जो है वो अलग हो जाता है। और अलग तो वैसे भी हो जाएगा अगर आप हथेलियों में इसको रब करेंगे, पर अच्छी बात यह है कि जब आप इस छलनी में रब करते हैं तो छलनी का जो टेक्सचर है वो हेल्प करता है मूंगफली के छिलके को इजीली निकालने में। और जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे तो आप देखिए मूंगफली का छिलका मूंगफली से बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आपके पास प्योर मूंगफली रह जाएगी। देखिए मैं उठा के दिखाती हूँ आपको अभी। अब हम ये देखिए मूंगफली का छिलका ऑलमोस्ट अलग हो गया और हमारे पास ये प्योर मूंगफली रह गई है बिना छिलके की। अब इस ऐसे ही हम सारी मूंगफली को कर लेंगे और हम इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट एक बाउल कंप्लीट, एक बाउल हमारे पास मूंगफली आ गई है। अब ये रोस्टेड मूंगफली जो है जब गर्म ही होगी तब हम अपने ग्राइंडर में डालेंगे। मसाला जार मैंने यूज़ किया है मूंगफली ग्राइंड करने के लिए। मेरे पास मिक्सर जो है वो छोटा है, 500 वॉट का है, तो मैं इसको मसाला जार में कर रही हूँ। और इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, पानी ऐड नहीं करना है। इसको बस ऐसे ही ग्राइंड कीजिए और उसको साइड से स्क्रैप करते जाइए। आप ये साइड से जो लग जाता है उसको वापस उसी के अंदर डाल दीजिए, जिससे ये देखे। और इसको दोबारा आप ग्राइंड करिए जब तक ये एक लंप नहीं बन जाए। ये बटर अपना ऑयल छोड़ देता है पीनट, आप जानते हैं मूंगफली में बहुत तेल होता है, तो जब आप ग्राइंड करते हैं तो वो प्रोसेस में हीट जनरेट होती है और वो अपना ऑयल छोड़ देती है। आप ये देखो ये कैसे एक साथ इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें हनी ऐड करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के अराउंड हनी इसमें डाला है।
और इसमें थोड़ा सा और इसके आप चाहिए, आपको मिठास ज़्यादा पसंद है आप और ऐड कर लीजिए। हनी ये वैसे भी अच्छा होता है, उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और ये जो है हमारा टेक्सचर, देखिए ग्राइंड मैंने किया उसके बाद दोबारा, इसके बाद ये टेक्सचर काफ़ी ड्राई है। तो इसमें मैंने मेरे पास रिफाइंड ऑयल, ये लाइट ऑयल था ऑक्सिनॉल के साथ में सनड्रॉप हार्ड ऑयल, तो मैंने फ्यू ड्रॉप्स इसकी यूज़ की हैं। अगर आपके पास पीनट ऑयल है तो और भी अच्छा है, आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपको मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, अगर आपको ज़्यादा इसका स्मूथ टेक्सचर चाहिए आप 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ कीजिए। मैं थोड़ा सा वेट लॉस को ध्यान में रखते हुए कम ऑयल यूज़ करना चाह रही थी। ये मैंने पतंजलि का, मेरे पास हनी का बॉक्स था तो उसमें मैंने डाला, ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के आसपास ये बन गया है। अब ये देखो इसका टेक्सचर जो है वो अब ये ऐसे वापस नहीं गिर रहा है ये, लेकिन अभी भी ड्राई है क्योंकि मैंने ऑयल कम रखा है। आप चाहें तो इसमें ऑयल बढ़ा के और थोड़ा और ग्राइंड कर सकते हैं, तो फिर आपको पीनट बटर की वो स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, बट मुझे ये ऐसे ही पसंद है। आप देखिए इसमें काफ़ी शाइन है और ये इतना टेस्टी है। अगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप इसे लिमिट में खाइएगा, क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं होता है, आप इसे बहुत सारा खा जाते हैं, सो जस्ट उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अभी राखी डिस्काउंट आया है हमारी वेबसाइट पे, तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए और राखी डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड लिखूँगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।